डिस्पैच क्या होता है कि मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई तेजस मीटर के बारे में, उसके बारे में तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि भाई वो डिस्पैच के बारे में कुछ बना दें थोड़ा सा। तो डिस्पैच के बारे में मैंने सोचा कि आज एक नई वीडियो बना दूँ। तो आज की वीडियो में हम डिस्पैच चेंज करेंगे क्योंकि GS150 SE यानी कि स्पेशल एडिशन के। तो चलते हैं अपने डिस्पैच चेंज करने के बारे में। पहले मैं आपको खोलने का तरीका बता दूँगी, खोलेगा कैसे, और उसके बाद फिर जो है ना हम आगे काम करेंगे। तो स्टे विद मी। तो भाई आ जाओ, देखते हैं ये डिस्पैच है। ये डिस्पैच मैंने ले लिए हैं और सुजुकी 150 GS स्पेशल एडिशन के डिस्पैच हमने ये नए ले लिए हैं। देखते हैं अंदर से क्या सिचुएशन निकलती है इसकी, और उसके बाद हम इसको चेंज करना, किस तरह हमें चेंज करना ये दिखाते हैं। तो भाई आ जाओ, सबसे पहले हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले जो है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। एक आपके पास प्लस का स्क्रू ड्राइवर होना ज़रूरी है, और उसके बाद आपके पास एक 12 यानी कि 12 की टामी होना ज़रूरी है। ये दो चीज़ें आपको चाहिए हमें डिस्पैच चेंज करने के लिए, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अपने डिस्पैच घर में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन डिस्पैच के इश्यूज़ बहुत होते हैं, वो चेंज करने के बाद हम डिस्कस करते हैं। पहले हम चेंज करना सीखते हैं, फिर डिस्पैच के क्या क्या इशूज़ आते हैं, क्या एरर आते हैं, और क्या क्या हम फंस सकते हैं डिस्पैच की वजह से, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले चेंज करना सिखाते हैं। कमॉन, क्या चीज़ है कि हमारे पास सिर्फ ये एक, ये इनको इसको दिखाएं, बोल देता है ये एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए इसके अंदर। एक ये हमारे पास पैड है, इससे हमें खोलना है। और ये पैड हटेगा, और पैड हटने के बाद हमारे पास ये एक 12 की टांगी होनी चाहिए, जिससे हम ये अपना ये वाले नट इसको खोलेंगे। ये एक नट निकलेगा इसका इस तरीके से, और इस तरीके से दूसरा। और ये आपका डिस्पैड का सेटअप हो गया पूरा बाहर। ये आपका डिस्पैड का पूरा सेटअप है। अब इसको आपको चेंज करना है। अब किस तरीके से चेंज करना है वो सिंपल, आपका एक पैड ये रहा और एक पैड इसके पीछे फंसा हुआ है। तो अब हम चलते हैं, पहले इसको ऐसे रिंग करेंगे। ओपन करने के बाद ये इसका एक क्लिप होता है, इस क्लिप को प्रेस करेंगे तो ये आसानी से डिस्पैड आपका खुल जाएगा। तो एक तो हो गया ये, और इसकी कंडीशन देख लें कि क्या कंडीशन है इसकी। बिल्कुल भाई इतना गरीब हो गया हूँ कि जो है ना नोट वोट नहीं है। ये 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा जो है ना इसको घिस दिया है, और ये एक तरफ से बिल्कुल अब जो है ना वो प्लेट की वॉट लगाना शुरू कर दी थी। ये देखें, ये दिखाएं, ये देखें, ये प्लेट की एकदम जो है ना घिसना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये क्या होता है बेसिकली, रीज़न क्या होता है ये कि जब मैं भाई इतनी इस हालत में अपना पैड निकालूंगा, और उसके बाद मैं क्या कहूँगा सुजुकी वाले, समझ गए ना, अब वो मम्मी डैडी सुजुकी, समझ गए। तो भाई अब मैं क्या कहूँगा, सुजुकी के ये फॉल्ट, सुजुकी के ये एरर, कि मेरा अपना फॉल्ट है, मेरी गुरबत, कि मैं इस हालत में जब निकालूंगा पैड तो सुजुकी का तो कोई कसूर नहीं है ना, चलाया जा रहा हूँ और अपनी इस हालत में पैड निकाल रहा हूँ। ये तो एक की हालत हो गई, और ये हो गई, देखें दूसरा क्लिप क्या है ये रहा। ऐसी नहीं है कि ये जो है ना हालत से निकाल लें, आप इसमें और इसमें फ़र्क देखें कितना फ़र्क आता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि भाई ये इस हालत में और इस हालत में। अब इसको चेंज करते हैं, बहुत इजी है चेंज करने का तरीका, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपना क्लिप निकाल लेना है वापस, ये ना हो कहीं क्लिप दे दो। अब क्या सीन है, इसको करना है पुट। अच्छा, अब क्या सीन है भाई, सीन कुछ ऐसा है कि क्या करना है कि ये इसके अंदर एक एयर के लिए होता है। तो सम टाइम क्या होता है, अगर आप घर में खोलोगे ना, अब जब आप घर में खोलोगे तो क्या सिनेरियो होगा इसमें कि ये बाहर होगा, और आप जब फिट कर रहे होगे तो आपकी लग जाएगी वॉट, तो आपसे फिट नहीं होगा। तो क्या करना है फिर, जब ये आपसे फिट नहीं होगा तो इसको कोई भी टाइम ही लेकर इसको प्रेस करना है। तो इसको जब प्रेस करोगे तो ये इस तरीके से अंदर चला जाएगा, और फिर ये थोड़ी बाद खुद अपनी एडजस्टमेंट कर लेगा। ऑटो एडजस्टमेंट है क्योंकि जो एयर आ रही है ऊपर टॉप से, वो ऑटो एडजस्टमेंट करती है। तो ये ऑटो एडजस्टमेंट करेगा, और चलते हैं अपनी क्लिप पे जाने। पहले एक क्लिप लगा लें,
सो गाइस ये हो गया हमारे, मतलब ये अच्छा एक सिनेरियो क्या है कि जो क्लिप हमें फिट करना है पैड, इसके लिए हम ये इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, ये हम इजीली आसानी से निकल जाएगा, ये आपके पास निकल सकता है बाहर। इस पर आप हल्का सा ऑयलिंग वगैरह कर लें, तो इस पर ऑयलिंग वॉइलिंग हो जाएगी। ऑयलिंग करने के बाद ये पैड इस तरह फिक्स होगा, इसमें ये क्लिप है ये दब के फिक्स होता है। ये एक पैड मैंने फिक्स कर लिया है और दूसरा पैड जो है वो अब फिक्स करना है। तो भाई दूसरे का सीन ये है कि अब दूसरा पैड बिठाते हैं, और दूसरा सीन ये है कि बस एक साइड को ऐसे पकड़ना है, और ये पट्टी एक साइड से आ गई भाई, देखा आपने ऐसे नीचे वन साइड बैठ गई। बैठने के बाद दूसरी वाली को आपने इसको बस प्यार से ऐसे प्रेस करना है, और ये दोनों की दोनों आपकी रेडी हो गई हैं। पैड में ये थोड़ा सा आपको गैप नज़र आ रहा है, ये हो जाएगा सही जब हम इसको फिक्स करेंगे तब। ठीक है, ये हो गया सिलसिला, आपके पैड हो गए हैं रेडी एकदम। अब आपको क्या करना है, इसको वापस इसमें जो है ना वो प्रेस करना। और क्या सिनेरियो है कि इसके साथ ना एक पट्टी भी है, इस पट्टी को भी रखनी है, मैं भूल गया था अभी मुझे याद आई। तो इसके साथ एक पट्टी है, और इसको भी हमें 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 इसको ऐसे रखनी है या पता नहीं ऐसे रखनी है, ऐसा ही कुछ सीन है। तो ये आप देख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसी रखनी है, सही रखा है, तुक्के में जो है ना काम हो गया भाई, इतनी मेहनत जो है ना आप लोग करवाते हो कसम से। तो ये हो गया आपका सिलसिला टाइट, और ये आपकी पैडिंग लग गई है भाई। और अब हम चलते हैं इसको वापस इसकी लोकेशन पे, ये इसकी लोकेशन है, और लोकेशन के बाद क्या सिलसिला क्या है भाई, इसको क्या करो, ऑयल वॉयल डाल लो, इसका हल्का सा ऑयल लगा लोगे ना तो ये आपको पता है ऑयल से फ़ायदा क्या होता है, आपको सब कुछ पता है, मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक हो गया, अब चलते हैं ये, और इसको इस तरीके से प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद ये जो है लग जाएगा अंदर, और ये हमने कर लिया इसको बाहर। तो भाई हो गया आपका पैड रेडी, ये हम आ गए हैं आपकी लोकेशन पर, पैड रेडी है, अब हम चलते हैं इसको पैड को लगाते हैं। हाँ तो भाई वो देखो हो गया, ब्रेक लग गया अपना, पैड वैड सही काम कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में फिक्स। लेकिन अब क्या है, और मैंने कहा था कि जब हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो एक नई चीज़ बताऊँगा आपको, क्योंकि भाई जब आप छेड़ते हो ना कोई भी चीज़ तो प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि रेगुलर करने वाले नहीं हो इस वजह से। तो एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर डिस्क ब्रेक्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा कॉमन मतलब है, और DS के स्पेशल एडिशन के ऐसी डिस्क ब्रेक दिया, तो उसमें तो लाजमी लोगों की इस तरह की शिकायतें आई हैं कि भाई वो हमारे डिस्क से जोर जोर की आवाज़ें आ रही हैं और अजीब अजीब सी वॉइस आ रही हैं। और मुझे बस जो इशू होता है वो ये इशू होता है कि यार आप अपनी कोताहियाँ ना दूसरों पर डालते हैं, हम सब इंक्लूडिंग जब हमें कुछ नहीं पता तो अपनी कोताहियाँ दूसरों पर डालते हैं, दूसरों पर डालते हैं किस तरह डालते हैं, बस ये कि हमें अपने फॉल्ट्स पता नहीं है, और सुजुकी कंपनी ने डिस्क ब्रेक खराब दे दिया, ये लोकल दे दिया, वो दे दिया। तो अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ फोकस करें इस चीज़ के ऊपर, ये आपको एक चीज़ दिख रही है भाई, ये एक सिंपल सी चीज़ है, आप एक किचन बना लो, उस किचन में जो है ना ये 8-8 की टांग ले सकते हैं। वो नॉर्मली क्या होता है कि बाइक चलते चलते आपको जाम होने शुरू हो जाती है, आपको यहाँ से स्मेल आना शुरू हो जाता है, आपके डिस्क पैड चिपकना शुरू हो जाते हैं, रीज़न होता है ये आपका एयर। और आपको पता है कि एयर फंसने के बाद क्या होता है, जब एयर फंसती है तो भाई लोग कार्डियो पहुँच जाते हैं, तो इसका भी सेम सीन है कि जब एयर फंसेगी ना तो आपको दिल का दौरा पड़ेगा इस गाड़ी को, और वो गाड़ी जो है ना स्टॉप कर रही है अपने आप को, उसका इंजन बंद होने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपके पैड चिपके हुए होंगे और आपको इसका पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैड चिपके हुए हैं, और ये एयर से होता है। अब आपको सिर्फ 8 का बाना लेना है ये वाला छोटा सा, और इसको जो है 2 या 3, मैं नहीं खोलूँगा क्योंकि मेरा एयर सही है, मैं क्यों अपने फजूल में क्यों कीड़ा करूँ ऐसे ही, तो बता रहा हूँ बस। तो ये चीज़ है, इसको आपको लूज़ करना है और अपनी एयर निकालनी है, और उसके बाद अपने ब्रेक को एज इट इज़ यूज़ करना है। और बस आज की वीडियो में बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये चीज़ें नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, आप बार बार बोले बनना कि वो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और क्लिक ऑन बेल आइकन ब्लाह ब्लाह समथिंग। तो भाई सिंपल ये है कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इस पर आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इसलिए भी शेयर करो कि भाई ये लोगों के काम आ जाएगा। मोस्टली क्या होता है, मेरी कोशिश ये होती है कि सारे एक्सपीरियंसेस मैंने ट्रिप पे, मैं जितने टूर्स करता हूँ उन सब पे मैंने ये एक्सपीरियंसेस किए हैं इन चीज़ों के, लोगों की गाड़ी में फॉल्ट आता है तो ये सारी चीज़ें मैंने सही की हैं, तो दैट्स व्हाई मुझे इसका इल्म है और मैं इस चीज़ को सीखता हूँ, बहुत ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस में करता हूँ, तो इस वजह से मुझे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा आइडिया है। आप अगर देखोगे तो आप भी कर सकते हो,
तो अब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और ये ब्रेकिंग न्यूज और ये और वो पता नहीं क्या क्या, वो मुझसे नहीं होता, वो योजो वाले सीन ना होनी होता मुझसे, तो दैट्स इट, इनफ है यहाँ तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपको पता क्या करना होता है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, और थैंक यू।